द्वार का जितना सुंदर स्थान उतना ही सुंदर नाम। वैसे कब हो रहा है विवाह? शीघ्र ही। जानती हो राधा, मैं वो स्थान देखने के लिए अति उत्सुक हूँ। बलराम जी कह रहे थे बिल्कुल मेरे स्वप्न जैसा है। तुम भी आओगी ना वो स्थान देखने? और वैसे भी कृष्ण अपने भाई के विवाह में अपनी प्रेमिका को तो बुलाएगा ही। हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगी, मेरा दाऊ का विवाह मेरे बिना कैसे होगा। यदि कृष्ण बुलाएगा तो अवश्य आऊंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कृष्ण तुम्हें अवश्य बुलाएगा। इसीलिए तो इतने सारे आभूषण लाई हूँ तुम्हारे लिए, अच्छे से श्रृंगार कर कर आना। और सुनो, मुझसे अधिक सुंदर मत लगना, स्मरण रहे दुल्हन मैं हूँ तुम नहीं। हाँ हाँ भरत, तुमसे सुंदर कैसे दिख सकती हूँ। अच्छा तो अब चलती हूँ, मुझे विवाह के लिए बहुत से प्रबंध करने हैं। अच्छा सुनो, इस निर्माण की बात को गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। पता नहीं क्यों तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुमने ही रेवती को भेजा है कृष्ण, और ये वस्त्र और आभूषण भी तुम्ही ने भेजे, ताकि जब तुम मुझे लेने आओ मैं पूरी तरह श्रृंगार करके सज रहूं। और यही होगा, मन से तो मैं कब से सज रहूं, और तन से भी पूर्ण श्रृंगार के साथ मैं सज रहूंगी। बस तुम शीघ्र चले आओ कृष्ण। ये देखो मैं क्या सज्ज करके आया हूँ। ये क्या है? ये क्या है? ये है मेरे विवाह का निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र? क्या बात कर रहे हो? दिखा, ये देखो। चलो पढ़ लेता हूँ। मथुरा युवराज बलराम और कौशल स्थली की राजकुमारी रेवती, इनके विवाह की शुभ घड़ी आ चुकी है। शुभ मुहूर्त आने वाली पूर्णिमा, स्थान मथुरा। कृपया सपरिवार पधार कर वर वधु को आशीर्वाद प्रदान करें, आपके आगमन की हमें प्रतीक्षा है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ये सब आपने लिखा है? नहीं, लिखा तो पंडितों ने है, किंतु इसे सज्ज मैंने किया है स्वयं अपने हाथों से। क्या बात है राव, ये क्या है? आपके विवाह के निमंत्रण पत्र में अस्त्र का चित्र क्यों बनवाया? अरे ये मेरा हल है, हल। यदि मैं होता या कोई भी होता तो प्रेम से जुड़ा, विवाह से जुड़ा कुछ बनवाता ये। हाँ वो तो तुम होना का ना, किंतु मैं बलराम, मेरे लिए तो सर्वश्रेष्ठ मेरा हल ही है। इसलिए जब मुझे कुछ नहीं सूझा ना तो मैंने वही लगा दिया। अच्छा है ना? वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है ये। हाँ, ये ऊपर क्या लिखा है? कौन सा, किसने लिखा है ये? कौन सा? ये ऊपर, ये मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहर। कहा, ये तो मेरे प्रभु नारायण के लिए मेरे हृदय से निकली हुई स्तुति है। देखो ये मेरा विवाह है और ये मेरे विवाह का निमंत्रण पत्र, तो अब निमंत्रण पत्र तो पवित्र होना ही चाहिए ना, और मेरे विचार से मेरे प्रभु की स्तुति से अधिक पवित्र और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए तुम्हें इस निमंत्रण पत्र में चाहे जो बदलाव करवाने हैं वो करवा लो, किंतु ये स्तुति वहां से नहीं हटेगी। बस मैंने कह दिया, नहीं हटेगी तो नहीं हटेगी। अच्छा ठीक है, होने वाले वर की ये इच्छा है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलो अब शीघ्र ही तैयार हो जाओ, हमें बरसाना और वृंदावन जाना है। बरसाना और वृंदावन? क्या बात कर रहे हो? कान्हा, मैंने सोचा है कि विवाह का ये पहला निमंत्रण पत्र सर्वप्रथम मैं मैया यशोदा को ही दूं, और तुम भी वहां राधा से मिल लेना, वो कितनी प्रसन्न हो जाएगी। नहीं चलो आप। नहीं दा, इस समय पुनर्मिलन का नहीं है,
यह समय प्रतीक्षा का है, यह समय मिलन का नहीं विरह का है। युवराज कृष्ण की जय हो। विदर्भ के गुप्तचर का संदेश आया है, वहाँ की राजकुमारी रुक्मणी का विवाह बलपूर्वक उनकी इच्छा के विरुद्ध छेदी नरेश शिशुपाल से किया जा रहा है। काना युद्ध में विदर्भ ने जरासंध का साथ दिया, किंतु फिर भी सब भूलकर मैंने हमारे पुराने संबंधों के कारण यह निश्चय किया था कि मैं उन्हें यह निमंत्रण भेजूंगा, किंतु ऐसा करके उन्होंने बिल्कुल उचित नहीं किया। एक स्त्री के साथ, एक कन्या के साथ कोई भला ऐसा कैसे कर सकता है, जब एक कन्या को उस व्यक्ति के साथ अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करना है तो उस व्यक्ति का चुनाव करना भी उस कन्या का ही चुनाव होना चाहिए ना, उसी का अधिकार होना चाहिए। यह उन्होंने कदापि उचित नहीं किया है। काना, मैं तो कहता हूं कि हमें हस्तक्षेप करके वहां न्याय करना चाहिए। हम चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर सकते, इस समय उसके लिए उचित नहीं है। यदि भविष्य में सब कुछ ठीक रहा तो विदर्भ की राजकुमारी को यह विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और आप चिंता मत कीजिए, आपको यह विवाह निमंत्रण उन्हें भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी ऐसे लोगों को मुझे निमंत्रण भेजना भी नहीं है ना। निमंत्रण वैसे भी उनके पास पहुंचेगा, आपके द्वारा नहीं तो किसी और के द्वारा। किसके द्वारा? सुंदर आभूषण लाए हैं रिप्ति ने मेरे लिए। केवल तुम्हारे लिए राधा? घर में आई हर वस्तु तो पूरे परिवार की होती है ना। देखो राधा, मुझे एक भव्य विवाह में जाना है और घर में कोई आभूषण है ही नहीं, तो मैं सोच रही थी क्यों ना इसी में से कुछ पहन लेती हूँ। वैसे मुझे तुमसे मांगने की कोई इच्छा नहीं है, पर घर की मर्यादा का सवाल है इसलिए कह रही हूँ। कुटिला दीदी, मुझे भी एक विवाह में जाना है जिसके लिए ही उपहार मेरे लिए आया है, और यदि मैं आभूषण इस विवाह में ना पहनूं तो इस उपहार का अपमान होगा ना। विवाह? किसका विवाह? घर में तो कोई न्योता नहीं आया। आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा, विवाह का निमंत्रण आने ही वाला है। बस करो राधा, तुम बातें बना रही हो क्योंकि तुम मुझे कुछ देना ही नहीं चाहती। स्मरण रखो राधा, मैं कुटिला हूं, मुझे जो चाहिए मैं पाकर ही रहती हूं, और शीघ्र ही ये सब कुछ मेरा होगा, समझी तुम? कुटिला जी तो स्वयं ही आपको ये सब दे देती, किंतु ये आपका हो नहीं पाएगा। कृष्ण का निमंत्रण आने ही वाला है और मैं ये सब पहन कर जाऊंगी, और इस बार जो मैं जाऊंगी तो लौटूंगी नहीं। तुम्हें भेजा मेरा कोई संदेश कृष्ण तक पहुंचा ही नहीं। आशा है कि तुम कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लोगे जिससे हमारा और तुम्हारा संदेश कृष्ण तक पहुंच सके और वो हमारी सहायता के लिए आ जाए। ये क्या? पता नहीं वहां विदर्भ की राजकुमारी कैसी होंगी, और मैं यहाँ कृष्ण
कृष्ण मिलन के स्वप्न में मग्न हूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण उनकी सहायता के लिए अवश्य गया होगा, किंतु फिर भी उनके विषय में तो मुझे ज्ञात करना ही होगा ना। किंतु कैसे, यदि कृष्ण से पूछूंगे तो वो बताएगा नहीं। एक उपाय है, अति उत्तम रहते, उचित युक्ति ढूंढी है तुमने।